सरकार किसी भी पार्टी की हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी सरकारें जनता से ये वादा करके आती हैं कि इस बार उनकी समस्याओं का निवारण हम अवश्य करेंगे, लेकिन हर बार वही कोरोना। हर बार जनता से वादा किया जाता है कि इस बार आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो जयपुर के प्रताप नगर क्षेत्र में हो रही सीवर ब्लॉकेज की है। यहाँ के रहने वाले निवासी इस सीवर ब्लॉकेज से कई महीनों से परेशान हैं। यहाँ के क्षेत्रवासियों ने अपनी कंप्लेंट नगर निगम में भी की है, यहाँ तक कि निगम पार्षद के पास भी वो जा पहुँचे हैं। फ़ोन पर भी वो कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कई महीनों से वह इस सीवर ब्लॉकेज की परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन यहाँ की समस्या ज्यों की त्यों रहती है। कोई यहाँ पर सुध लेने नहीं आता है कि यहाँ का हाल कैसा है और लोग यहाँ पर कैसे रह रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ कि किस तरीके से यहाँ पर गड्ढों से पानी निकल रहा है। सीवर ब्लॉकेज होने की वजह से यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया है और सीवर का पानी निकलने से इसमें मच्छर भी पैदा होने लगे हैं, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। इसमें गंदगी भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गंदगी फैली हुई है। लोग अपने घरों के बाहर पत्थर लगाए हुए हैं ताकि वो इस गंदे पानी को पार करके दूसरी ओर जा सके। इतना ही नहीं, यहाँ के निवासियों ने महापौर सौम्या गुज्जर से भी कंप्लेंट कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई समस्या का निवारण नहीं हो रहा है। अब इस समस्या को यहाँ के निवासी कैसे झेल रहे हैं और उनका क्या कुछ कहना है, आप देखिए ये वीडियो। कोई नहीं आया, कोई गली वाला नहीं बोल रहा है। हम ये जो पानी ना बहाव आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? गंदे ये मेन चैम्बर से आ रहा है, गटर से। गटर से? हाँ। कब से आ रहा है ये? दो महीने हो गए। दो महीने से? दो महीने से बह रहा है ये, देखो पूरा। आज इन्हें डांट लगा के इधर कर दिया। सफाई कभी नहीं हो रही है कहाँ? और ये गाड़ियाँ आती है, देख के चली जाती है, ढक्कन और खोल जाती है। ढक्कन और खोल के जाती है? और क्या, ढक्कन खोला जब ही तो वो बहने लग गया। तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही। सब कह रहे हमने कंप्लेंट कर दी, पर कोई आता ही नहीं है। तो यहाँ के पार्षद साहब, उनसे बात? हाथ जोड़ लिए, मैं तो प्रताप नगर से थक गया। अच्छा, हाथ जोड़ लिए उसने तो। हाथ जोड़ लिए मतलब प्रताप नगर में काम ही नहीं कर पाए? हाँ, नहीं कर पाऊंगा, मैं तो छोड़ दूंगा, ऐसे बोल रहा है वो। तो छोटे बच्चे बाहर निकलने से भी डरते हैं, इतनी गंदगी का मान है। गंदगी में बच्चों का, और पर गटर अगर खुला हो तो गटर में गिर भी सकते हैं। ये सर दो महीने के आसपास हो गए इसको निकलते हुए? दो महीने से चल रहा है। हाँ बिल्कुल। इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही? बिल्कुल सर, तीन चार कंप्लेंट घर वालों के लिए, दो कंप्लेंट मैंने कराई, कंप्लेंट नंबर नोट है हमारे पास, 181 पे कंप्लेंट करते हैं हम। इसकी कंप्लेंट नंबर है, वो कहते हैं आगे सुनवाई के लिए भेज दी गई, सुनवाई होती नहीं है। इसके अलावा दो तीन बार गाड़ी आके देख के चली गई, कुछ करती नहीं है। यहाँ के जो पार्षद है तो वो उनसे कोई उनके पास कंप्लेंट की? उनके पास भी बोला हुआ है, वो आते ही नहीं यहाँ पे। आए थे तो कहते मुझे मतलब ही नहीं है। मतलब उनका नहीं है, उन्हीं के मतलब एरिया पड़ता है तो उन्हीं का ही काम है। तो सर आके तो करवाए तो सही ना, फिर आते क्यों नहीं है? आते क्यों नहीं? आते ही नहीं है भाई, चुन के आप ले आए हो उनको तो अपने। हमने आज सुबह बात की यहाँ पे तो सुनने में यह है, पार्षद कहते मुझे तो यहाँ से मतलब ही नहीं है, मैं तो परेशान हो गया 70 सेक्टर से, वो ये कहते हैं। इसके अलावा आपने कहाँ कंप्लेंट की थी? सर 181 पे कंप्लेंट करी है, ये कहते हैं हमने नगर निगम में कंप्लेंट कर रखी है। इसके अलावा दो बार गाड़ी आके देख के चली गई इसको, वो देख के खोल के देख के चले जाते हैं। नगर निगम की गाड़ी आती है? हाँ बिल्कुल, सीवरेज की गाड़ी आती है, वो गाड़ी आके दो बार खोल के देख के चली गई। वो मतलब बीच में छोड़ के क्यों चले जाते हैं? वो करते ही नहीं कुछ, जवाब भी नहीं देते, क्यों नहीं करते? कोई ना कोई तो कारण होगा, किसी ने पूछा नहीं है, बताते ही नहीं है, बताते ही नहीं है कि ये ब्लॉक है, क्या है, सीवरेज में कमी है, कुछ बताते नहीं है। मच्छर पनप रहे हैं, बच्चे रहते हैं घर में, मच्छर काटते हैं, बीमारी तो होती है इनसे, इन्फेक्शन भी होता ही है। ये सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही, कंप्लेंट तीन बार ये पड़ोसी भी कर चुके हैं, दो बार मैं भी कर चुका, कंप्लेंट नंबर नोट है हमारे पास। तो ये एरिया कौन सा पड़ता है, कौन सी गली? सेक्टर 17 बोलते हैं इसे, प्रताप नगर। हाँ मैम, ये जो पानी बह रहा है ये कैसे बह रहा है, किस वजह से बह रहा है? भैया इसको एक महीना हो गया देखो, और हम सब परेशान हो रहे हैं, ये देख लो। हम तो मतलब ऐसे दिमाग खराब हो रहा है, मतलब निकल के चले जाएं, ऐसा हो रहा है, ये देख लो। तो आपके घर में भी आपने जैसे ये पत्थर लगा के बाहर निकल रहे हैं, इसमें तो करना ही पड़ेगा ना, किस किस की सुने, बाहर वाले की सुने, ऊपर वाले की सुने, किस किस की सुने, ये बताओ। सभी हॉल में दे रहे, मकान मालिक को फोन कर दिया, वो आ रहा हूँ, एक महीना हो गया हमारे को तो परेशान होते हुए। ये कोई तरीका थोड़ी है, एक बात बताओ, गाड़ी भी आती है चली जाती है। गाड़ी का ये MCD का गाड़ी आती है? हाँ, वो कुछ नहीं करते, आके चली जाती है वो। अच्छा। राउंड काट जाती है, चली जाती है यहाँ पे, और सब मोहल्ले वाले आते हैं तो आने के देते हैं, 17 बार सुना के जाते हैं, ये देख लो। हम तो परेशान हो गए इस चीज़ से, ये देख लो। तो अभी जो गंदगी हो रही है, इस गंदगी को लेके और कहाँ कंप्लेंट करी, कहाँ कहीं और? तीन चार जगह करी है वैसे तो, जहाँ जहाँ हमारी जानकारी है वहाँ सब जगह करी है, लेकिन वो आते हैं ये कहते हैं। जयपुर नगर निगम
जो कि बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने पूरे जयपुर की सफाई करी है, अभी सफाई अभियान चल रहे हैं उनके, लेकिन कहीं तक कोई सफाई नज़र नहीं आ रही। यह मुद्दा है प्रताप नगर का और प्रताप नगर 17 सेक्टर का, और इसमें हर घर के सामने जो सीवर है वो टोटली फुल हो चुका है, यहाँ से पानी बाहर बहते हुए बाहर निकल रहा है, और यहाँ के जो निवासी है उन्होंने अपने आसपास जितने भी नगर निगम के ऑफिस है वहाँ जाके उन्होंने कंप्लेंट करी, ऑनलाइन भी कंप्लेंट करी, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। यह पानी देख रहे हो आप कितने गंदगी यहाँ से बह रही है, गटर का पानी पूरा रोड पे आ रहा है, और इसके अंदर देखो मच्छर कितने मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिससे कि डेंगू और ऐसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं यहाँ के लोग, लेकिन यहाँ की सुनवाई कोई सरकार नहीं कर रही। पहले पिछले सरकार में कहते थे कि सरकार कांग्रेस की है और यहाँ के जो पार्षद है वो बीजेपी के हैं, तो इस वजह से उनकी सुनवाई आगे नहीं होती, उनको बजट नहीं मिलता, और इस बार तो पार्षद भी यहाँ बीजेपी के है, MLA यहाँ बीजेपी के है, और सरकार भी यहाँ बीजेपी की है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये सिविल की समस्या है काफ़ी टाइम से, पहले आगे थी, आगे तो फिर उन्होंने बंद करा दिया, ये क्या है आगे जाके पूरे सिविल की मेन लाइन डलेगी, सीवर की प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, तो कब से हो रहा है ये प्रॉब्लम? ये अभी मैंने चार पाँच महीने से हो रहा है, चार पाँच महीने से लगातार है। तो आपने कंप्लेंट इसकी कहां? कंप्लेंट पार्षद जी को भी कर दी हमारे यहाँ। कौन है पार्षद जी? विनोद शर्मा जी तो उनकी सुनवाई, उनके पास गए थे आप कंप्लेंट लेके? वहाँ गए थे, एप्लीकेशन दे रखी है, फाइल लगा रखी है। कब से? फाइल अभी लगाई है, मतलब 15-20 दिन हो गए। तो बोला होएगा, तो ये 17 सेक्टर में है और ये काफ़ी परेशानी हो रही है पूरी गली में। गाड़ी आती है वो बोलते हैं कि बड़ी लाइन डलेगी, छोटी लाइन है, अब बड़ी लाइन है जब ये पास होएगा, जब होएगा, अब ये कब तक होगा, ये बहुत समस्या हो रही है हमें। आप देख सकते हो, आप पूरी गली में पानी गंदा भर रहा है, बदबू आ रही है, बीमारी फैलेगी फिर बच्चों के। यहाँ के लोग पूरी तरह से अपनी कंप्लेंट कर रहे हैं, बार बार जाके अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार आंखें बूंद के यहाँ पे बैठे हैं, और देख सकते हो कितनी गंदगी हो रही है, पूरा सीवर लाइन के जो गंदा पानी पूरा बाहर आ रहा है। ये गटर है, ये पूरा आधा टूटा हुआ है, और इस गटर से आगे कोई दुर्घटना भी हो सकती है, कोई बच्चा गिर सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है।